तो कैसे हो मेरे भाइयों, मैं अजय कोने के साथ। और जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था कि मैंने जो SBI का क्रेडिट कार्ड होता है उसको अप्लाई किया था। तो हमारा सिंपली सेव का सॉरी सिंपली क्लिक कार्ड आया था, तो उसके ऊपर क्या था, अमेजोन ई बाउचर है, जो अगर आप पहली बार ज्वाइन करते हैं क्रेडिट कार्ड को, SBI क्रेडिट कार्ड को, तो उसके साथ में आपको ई बाउचर मिलता है 500 का, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसको कैसे रिडीम करना है मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले अपने SBI कार्ड एप्लीकेशन को खोल लेता हूँ। तो अगर आपको पिन वगैरह सेट करना है, फर्स्ट टाइम कैसे लॉग इन करना है, वो सबके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए पहले मैं अपना यहाँ पे देख पा रहे हैं SBI एप्लीकेशन, जो यहाँ पे SBI कार्ड का एप्लीकेशन रहता है, उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए हमारा फेस आईडी अनेबल है, तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऊपर 3 मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे 3 मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा आपको रिवॉर्ड्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे दिखा रहा है 2590। तो 590 मेरा पहले का रिवॉर्ड पॉइंट्स है जो मैंने कार्ड यूज़ किया है, और उसके बाद हमारा 2000 इसका रिवॉर्ड पॉइंट्स है, मतलब 2000 रिवॉर्ड्स मतलब इक्वल टू 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ का ई वाउचर हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन दिखेगा समरी का, रिडीम का और हिस्ट्री का। तो आपको देखिए यहाँ पे नीचे रिडीम के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए रिडीम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। आप चाहिए तो क्लिप ट्रिप का ले सकते हैं, नहीं तो बुक माई शो का ले सकते हैं, और एक यहाँ पे क्लिप ट्रिप का है, और यहाँ पे देखिए अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड। तो हमको अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड चाहिए 500 रुपीज़ का, तो मैं यहाँ पे अमेजोन पे ई वाउचर INR में 500 रुपीज़ का, तो पॉइंट्स देखिए यहाँ पे 2000 है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा देखिए कुछ ऐसा समरी आ जाएगा इसका, 500 रुपीज़ हैं, और यहाँ पे पूरा चीज़ें आप पढ़ लें। आप नहीं पढ़ेंगे तो वो पहले से ही सिलेक्टेड रहता है, तो आप ज़्यादा का इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये वेलकम वाउचर है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए आपको ये सब देखने के बाद नीचे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा ऐड टू कार्ट, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एकदम लास्ट में ऐड टू कार्ट। आप जैसे यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा कार्ट में चले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको रिडम कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही ऐड टू कार्ट करने के बाद रिडम कार्ड पे करेंगे, तो आपको देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ये हमारा समरी है पूरा, तो हमें देखिए क्वांटिटी 1 है, और यहाँ पे हमको जो वाउचर है यहाँ पे इस तरीके से रिडीम करना है। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे चेकआउट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे देखिए चेकआउट के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, तो चेकआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारा ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, तो इस ईमेल आईडी पे भी और मोबाइल नंबर पे दोनों पे आपको जो आपका वाउचर है ईमेल कर दिया जाएगा। आप इस मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करना है तो आपका क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन में ही पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें आप, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है उसी पे आपको जो भी गिफ्ट कार्ड है यहाँ पे अमेजोन का वो मिलेगा। तो ये गिफ्ट कार्ड आप अपने अमेजोन पे यूज़ कर सकते हैं, बिल वगैरह पे कर सकते हैं, कहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको रिडीम करना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखिए दोनों टिक कर लें आप, यहाँ पे देख पा रहे हैं कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद देखिए प्लेस ऑर्डर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप देखिए रिडीमशन हमारा हो गया है। तो हमारे 5 डेज़ के अंदर हमारे जो कोड है वो हमको रिडीम मतलब भेज दिया जाएगा यहाँ पे हमारे ईमेल पे और फ़ोन नंबर पे। उसके बाद आप अपना जो अमेज़ॉन पे ई गिफ्ट कार्ड है, अमेज़ॉन पे लेटर सॉरी अमेज़ॉन पे का, वहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ कैसे आपको ई वाउचर्स वगैरह ऐड करना है अमेज़ॉन में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रिडीम करना है गिफ्ट वाउचर्स में, अगर आपका कोई SBI कार्ड का है, अगर आपको ऐसा ऑफर आया तो। तो अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो बने रहे मेरे चैनल पे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।